जब बाहर बहुत हलचल हुई और युविका उठकर बाहर चली गई तो अनुराधा की थोड़ी धुंधली आंखें भी स्पष्ट हो गई। मैं टेबल का सहारा लेने के लिए आगे बढ़ी और उसके सहारे से उठ खड़ी हुई और कहा, कोई बाहर परेशानी पैदा कर रहा है? यह अजीब बात है, आमतौर पर कोई भी यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर ये कौन लोग हैं जो शोर मचा रहे? राघव मूल रूप से अविचल था। उनकी राय में फूड कॉमर रेस्टोरेंट जैसी जगह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत होनी चाहिए और वहां जो मामूली परेशानी होती होगी वो तो वहां के स्टाफ ही आराम से हैंडल कर लेते हो। लेकिन अनुराधा को थोड़े नशे में खड़े होने के बाद लड़खड़ाते हुए देखकर राघव केवल खड़े होकर आगे बढ़ सका और कहा, मिस अनुराधा, अगर आप रेस्टोरेंट की स्थिति को देखने के लिए बाहर जाना चाहती हैं तो मैं आपको बाहर ले जाने में मदद करूंगा। ठीक है, अनुराधा मुस्कुराई, वह संदेह से बच नहीं पाई, आगे बढ़ी और राघव की बाह पकड़ ली, खुद को स्थिर किया और बाहर चली। जब युविका जल्दी से बाहर आई तो उसने बगल के प्राइवेट कमरे से चिल्लाने और सिसकने की आवाजें सुनाई दी। इससे उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और वह तेजी से उधर जाने लगी। प्राइवेट कमरे के दरवाजे पर जाकर जब युविका ने देखा तो उस प्राइवेट कमरे में 7 या 8 आदमी बैठे हुए। उनमें से प्रत्येक आदमी के चेहरे पर अलग ही तरह के एक्सप्रेशन थे जो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहे। युविका को दिखाई दिया कि 2 वेट्रेस जमीन पर गिर गई। उनमें से एक अस्व्यस्त दिख रही थी। प्राइवेट कमरे में एक काले कपड़े वाला आदमी अपना हाथ बढ़ा रहा था और अस्व्यस्त वेटर की बाह को कसकर पकड़ रहा था और अपने मुंह में बागा बागा कह रहा था। वेट्रेस बेहद मजबूर लग रही थी और फूट फूट कर रोने लगी। ये दृश्य देखकर युविका को दिल से गुस्सा आ गया और वह तेज आवाज में चिल्लाई, क्या हो रहा है यहाँ? मैडम, युविका मैडम। जब दोनों वेट्रेस ने युविका को देखा तो वे ऐसे चिल्लाई मानो उसे कोई मसीहा मिल गया हो। युविका की आवाज सुनकर प्राइवेट कमरे में निर्दयी चेहरे वाले लोगों ने दरवाजे से बाहर देखा। जब वे आंखें युविका के जवान चेहरे पर टिकी थी तो जाहिर तौर पर उनकी आंखों की गहराई में गर्माहट की झलक थी। इसी समय एक आदमी सामने आया, लगभग 40 साल का चतुर चेहरे वाला, वह एक व्यवहार कुशल व्यक्ति की तरह लग रहा था और उसने कहा, माफ करें, क्या फूड कॉमर रेस्टोरेंट से मिस युविका है? हाँ, ये मैं हूँ। तुम कौन हो? क्या फूड कॉमर रेस्टोरेंट के वेटर ने तुमको नाराज किया? तुमने दोनों लड़कियों को क्यों धमकाया? युविका ने ठंडे चेहरे के साथ ठंडे स्वर में उस आदमी से पूछा, मेरा नाम हेमंत है और मैं यंग मास्टर अश्विन रेड्डी के बाद का व्यक्ति हूँ। आज रात मैं यंग मास्टर अश्विन रेड्डी की ओर से इन मेहमानों का स्वागत कर रहा हूँ। इस अवधि के दौरान कुछ गलत फहमियां हुई, इसलिए कृपया ऐसा ना करें। इस युविका से नाराज वह आदमी जिसने अपना नाम हेमंत बताया, अश्विन रेड्डी? युविका ने बौहें चढ़ा दी और फिर कहा, अश्विन रेड्डी, रेड्डी परिवार का सबसे बड़ा बेटा? ये सभी लोग जो पूर्व से हैं, इस घटना का कारण क्या है? हेमंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस युविका, ये इस तरह है कि जब वेटर सूप लेकर आई तो सूप गलती से मिस्टर हेनरी नॉर्मन के कपड़ों पर गिर गया और मिस्टर हेनरी ने उसे कई बार डांटा। शायद ये भाषा उसकी समझ से बाहर थी। ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस एक छोटी सी गलतफहमी है और कुछ नहीं। फिर भी फूड कॉमर रेस्टोरेंट के नियमों के अनुसार मुआवजा दे सकता है, लेकिन तुम लोगों ने इनके साथ बदसलूकी और पीटने का मामला क्या है? ये लड़की इस हालत में क्यों है? तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो? युविका ने अपना मुंह खोला और अस्व्यस्त वेट्रेस के पास गई। उस पूर्वी आदमी ने अभी भी वेट्रेस को पकड़े हुए था। युविका वहां आई और उस पर चिल्लाई, अपना हाथ हटाओ, जो भी बात है हम लोग इस बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी मेरे कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करने की परमिशन नहीं दूंगी। बेवकूफ, ये इंसान बिल्कुल वही है जिसके बारे में हेमंत ने कहा था कि वो हेनरी नॉर्मन है, जो वहां की भाषा में कंफर्टेबल नहीं था। उसने युविका को घूर कर देखा। युविका की सेक्सी और मनमोहक आंखों में उसकी आंखें बेईमान लग रही थी। उसके फिगर को देखकर उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। हर कोई एक कदम पीछे हट जाए, यह यंग मास्टर रेड्डी का मेहमान। हेमंत आगे आया और जापानी भाषा में बोला। हेनरी नॉर्मन ने जोर से सांस लिया और फिर अनिच्छा से उस वेटर को जाने दी। हालांकि उसकी भयावह निगाहें युविका पर ही टिकी हुई थी। उसने पहले ही देख लिया था कि युविका इस फूड कॉमर रेस्टोरेंट की इंचार्ज थी और उसे समय फूड कॉमर रेस्टोरेंट के वेटरों के लिए खड़ा होना चाहिए था। हेनरी नॉर्वे ने कोई डर नहीं दिखाया। इसके विपरीत जब उसने युविका को देखा तब भी उसकी भयावह आंखों में निर्विवाद कट्टरता का एक निशान चमक रहा था। इसकी तुलना में युविका के चेहरे और फिगर के साथ वह निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक नजर से उसे देख रहा था। उन वेटर्स की तुलना में वह 10 गुना अधिक आकर्षक लग रही थी।
युविका ने वेट्रेस को अपनी तरफ खींच लिया और उसके काम के कपड़े ठीक कर दिए, लेकिन शर्ट की छाती पर कई बटन टूट गए थे। जाहिर तौर पर जबरन फाड़े गए थे, जिससे उसके अंदर पहनी हुई ब्रा दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसके मन में गुस्सा अचानक बढ़ गया। उसने सोचा कि क्या कोई ऐसी बात है जिस पर वेटर के कपड़े फाड़े बिना ठीक से चर्चा नहीं की जा सकती थी। ये तो बस अपमानजनक है। युविका ने कोट पहना हुआ था, उसने कोट उतार दिया, वेटर को पहनाया और धीरे से कहा, तब ठीक है, मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है। वेटरस ने अपना चेहरा उठाया और उसके चेहरे के दाहिनी ओर एक लाल निशान भी था। वो निशान अस्पष्ट रूप से हथेली की छाप के रूप में दिखाई दे रहा था, फिर भी उस लाल निशान के पीछे उसका सुंदर चेहरा देखा जा सकता था और वह दागदार आंसुओं के नीचे और भी अधिक लाल लग रहा था। उस वेटर ने युविका को अपने सामने देखने के बाद अपने दांत पीसते हुए उसने कहा, मिस युविका, जब मैं सूप लेकर आई तो ये आदमी उसने अपने हाथ फैलाए और मेरे शरीर के पीछे वाले हिस्से पर अपना हाथ रगड़ा, और जब उस वजह से मैंने हाथ हिलाया तो सूप गिर गया। फिर उसने मुझे जोर से डांटा। मैंने उनसे कहा कि मुझे उनकी भाषा समझ नहीं आ रही है, फिर भी मैं फिर झुकाए उनसे माफ़ी मांगती रही। उसने अचानक मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा, फिर मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतार दिए। ये सुनकर युविका के चेहरे पर बेकाबू गुस्सा देखा। बिना वजह परेशान करने के अलावा ये ओरिएंटल लोग फूड कॉमन रेस्टोरेंट के वेटरों से जबरन छेड़छाड़ करना चाहते हैं, उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? आखिर ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं? इस समय राघव और अनुराधा भी प्राइवेट कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर आगे बढ़े थे और उन्होंने अपने सामने का दृश्य देखा। हेमंत के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया, उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसने वेटर्स की ओर देखा और अजीब तरीके से कहा, ये सिर्फ एक वेटर है, बकवास मत करो। अगर इसकी बात की वजह से तुमने बात बढ़ाने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अभी कह रहा हूं ये छोटी सी बात है, इसे जाने दो। मिस्टर हेमंत, आप प्लीज मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं इस मामले को अच्छे से समझ सकूं, युविका ने ठंडे स्वर में कहा। उसने वेटर की ओर देखा और कहा, अंजलि, क्या तुमने जो कहा वह सच है? युविका ने पहले ही उसका नाम पूछ लिया था और पता चला कि उसका नाम अंजलि था। युविका की बात सुनने के बाद अंजलि ने जोर से सिर हिलाया और कहा, मैंने जो कहा वह सच है, इंदिरा भी इस बात की गवाही दे सकती है। इंदिरा एक दूसरी वेटर थी और जब उन लोगों के बीच बात बढ़ गई तो वो बीच में आई थी, लेकिन उन लोगों ने उसे भी धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था। युविका ने गुस्से में उन लोगों को घूरते हुए कहा, मिस्टर हेमंत, मुझे इस बात का खेद है कि बकवास आप कर रहे हैं, मैं नहीं। क्या आपको अभी भी लगता है ये एक छोटी सी गलतफहमी है? ये बात स्पष्ट है कि जिन मेहमानों को आप लाए थे उन्होंने पहले छेड़छाड़ की और मेरे साहब के साथ बदतमीजी की, और इतना सब होने के बाद भी उसकी हिम्मत इतनी हो गई कि वो छिड़खानी पर भी उतर आया। मैं अभी भी मौके पर अपने फूड कॉमर रेस्टोरेंट के वेटर का सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो क्या हुआ अगर वे पूर्व से आते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ओरिएंटल इंडिया के क्षेत्र में जो चाहें कर सकते हैं वो बाहर से आते हैं? लेकिन तुम तो इंडिया से हो ना, तुम यहाँ के होते हुए भी इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हो, क्या ठीक बात है? यदि तुम इसे नहीं रोक सकते तो ठीक है, और यदि तुम इसे छिपाना चाहते हो तो ये केवल बुराई के साथ देने के बराबर है। खैर, मुझे और कुछ नहीं किया, पुलिस को इस मामले को संभालने दो। युविका की बात सुनते हेमंत का चेहरा सख्त हो गया और उसकी आंखों की गहराई में घबराहट की एक रेखा झलक उठी। असल में हेमंत अश्विन रेड्डी का खास आदमी था और रेड्डी परिवार शहर के नामी परिवार में से एक थे। वह देहरादून शहर में रेड्डी परिवार की शक्तिशाली स्थिति के कारण पुलिस से निपटने से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। समस्या ये थी कि हेमंत हेनरी नॉर्मन और इन ओरिएंटल्स की असली पहचान जानता था। अगर पुलिस वास्तव में पता लगाना चाहती है कि जापान में हेनरी नॉर्मन किस ग्रुप का है तो इससे अश्विन रेड्डी को अनावश्यक परेशानी हो जाती। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद ये अश्विन रेड्डी के प्लान को खराब कर सकता था, यहां तक कि वह अश्विन रेड्डी का गुस्सा भी सहन नहीं कर सकता। ये सोचते हुए हेमंत तुरंत पास आया और कहा, मिस युविका, वे यहाँ नए हैं और वे हमसे थोड़ा अलग व्यवहार करते हैं, यदि कोई अपराध हुआ है उनकी ओर से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, कृपया आप अपनी वेटर को भी इस बारे में समझाएं। आप तो अश्विन रेड्डी जी को पहले से जानते हैं और ये लोग उनके ही मेहमान हैं, अगर पुलिस की बात आएगी तो उनका भी नाम आएगा और आप ऐसा नहीं चाहेंगे, है ना? इसके अलावा मैं खुद अश्विन रेड्डी जी से कहूँगा कि वो आपसे आकर मिले और वो आपके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन इस बार के लिए इस बात को यहीं दबा दीजिए। हेमंत ने युविका को मनाते हुए कहा, तुमको मुझे दबाने के लिए अश्विन रेड्डी के नाम का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यह तुम नहीं हो जिसने अपराध किया, तुमको माफी मांगने की आवश्यकता क्यों है?
युविका ने अपना मुंह खोला, फिर उसने हेनरी नॉर्मैन की ओर इशारा किया और कहा, यह वह है जिसको असल में माफी मांगनी चाहिए। पहले लोगों को पीटा और यहां तक कि अंजलि के कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की। अगर मैं अपने स्टाफ को ही सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो फिर मैं फूड कॉमन रेस्टोरेंट के इंचार्ज बनने के लायक नहीं हूं। युविका को अपनी ओर उंगली उठाते देख हेनरी नॉर्मैन अचानक क्रोधित हो गए। वह कुछ वर्ड्स उसकी भाषा बोल सकता था और युविका के अधिकांश शब्दों को समझ सकता था, इसलिए उसने तुरंत बात की और कुछ उल्टे सीधे इंग्लिश वर्ड्स में बोलते हुए कहा, यू गाइस आर डर्टी पिग, यू आर जस्ट बीइंग यूजलेस, कम ऑन ड्रिंक विद मी एंड फॉरगेट एवरीथिंग कमीने। युविका का व्यक्तित्व बेहद मजबूत था और जब उसने हेनरी नॉर्मैन के अहंकारी और तो शब्द सुने तो वह क्रोधित हो गई। वैसी बातों को कैसे सहन कर सकती, और उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और हेनरी नॉर्मैन को थप्पड़ मार दिया। युविका की इस हरकत को देखकर सब लोग चौंक गए। ये हाथ हेनरी नॉर्मैन के चेहरे पर थप्पड़ मारने में विफल रहा और जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो उसने युविका की दाहिनी कलाई को कसकर पकड़ लिया और फिर आगे बढ़ा। युविका लड़खड़ा कर वापस पीछे आ गई और नीचे जमीन पर गिर गई। हमारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? ये तुम्हारा जापान नहीं है, बोलो मत, तुम इस वक्त इंडिया में खड़े हो। तुम्हें जो बदतमीजी करनी थी वो तुम कर चुके हो, लेकिन अब और नहीं। अब तक तुम्हें इसलिए बर्दाश्त किया गया क्योंकि तुम यहां पर मेहमान बनकर आए थे और हमारे यहां मेहमान भगवान होता है, लेकिन तब तक ही जब तक वो अपनी मर्यादा में रहे। दरवाजे पर मौजूद अनुराधा भी यह दृश्य देखकर क्रोधित हो गई और वो खुद को अंदर आने से रोक नहीं पाई और उसने इंग्लिश में बात करते हुए उन लोगों से कहा, आखिर कहां है राघव और वो लड़कियों के साथ ऐसी बदतमीजियां होते हुए कैसे देख सकता था? क्या थी उन लोगों की पहचान और हेमंत की उस मामले को छुपाना चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर कमांडो राघव।